ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था, हमने एक पोएम को एक्सप्लेन किया था, इसका मीनिंग्स। आई होप आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोएम का नाम क्या है? ध्वनि। और उसको किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी ने। किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो आई होप आज हम वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आज हम पढ़ने जा रहे आज हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, इसके रिलेटेड पोएम की लेक्चर क्वेश्चन आंसर्स। जैसे यहाँ पे आपको देखो प्रश्न अभ्यास दिया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है कविता से, मतलब इस पोएम से क्या है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? तो पोएट को क्यों ऐसा लगता है कि उनका अंत क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पत्तियाँ क्या है? हरे हरे हैं, उनके सारे अभी जो पत्ते टहनियाँ डाली हैं एकदम कोमल कोमल है, और वो अभी तो अभी सारी चीज़ें कोमल है, तो इसका अंत कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसलिए पोएट को विश्वास है कि उनका अंत नहीं हो सकता है। क्या दिया है? कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उनका अंत नहीं होगा? क्योंकि उनके पत्ते अभी कैसे है, यहाँ पे देखो दिए, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रता कर जग कर एक प्रत्युष मनोहर। क्योंकि मैं अभी उनके सारे पत्ते क्या है, हरे हरे हैं, सब क्या है एकदम कोमल कोमल है, तो इतना जल्दी वो कैसे जाएंगे? अभी तो उनमें एक अच्छा सा सॉफ्ट सपना, स्वीट ड्रीम देंगे, सपना देंगे, जैसे वो उठेंगे उनमें मैं स्ट्रांगनेस भर दूंगा, उसमें अवेयरनेस भर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे फर्स्ट आई होप क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है फूलों का अंत, फूलों का अनंत तक विकसित करने का के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को, ठीक है, फूलों को दैट मीन्स यहाँ पे है कि उनको नींद में उठाने से, उनको नींद में, जैसे यहाँ पे आपको दिया देखो, पुष्प को तंद्रा लालस खींच लूँगा अपने नवजीवन अमृत संघर्ष सींच दूंगा। मतलब यहाँ पे आपको ये पोएम का यही दिया है मीनिंग। तो यहाँ पे फूलों का अंत जो है तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करे, उनको एकदम आगे तक बढ़ाने के लिए कवि क्या करेगा, उनसे आलसपन दूर कर लेगा, उनमें एकदम अवेयरनेस हैप्पीनेस भर देगा। तंद्रल देखो यहाँ पे आया है, उनमें से आलस लालचीपना जो होता है वो खेलेगा, उनमें एकदम तंदुरुस्ती भर देगा, और फाइट करने के लिए एकदम ताकत नई नई ताजगी भर देगा। इस तरीके से उनको उनको अंत तक क्या होना है, बढ़ते ही रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, कवि पुष्प को का तुंद्रा, तुंद्रा दैट मीन्स नींद, तुंद्रा का मीनिंग क्या है, नींद, स्लिपी। कवि पुष्पों का तुंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, उनको ये उन क्या करना चाहता है कि सुबह जैसे मॉर्निंग होगी उनमें मैं क्या कर दूँगा, अभी तो वो हरे हरे, सुबह जैसे मॉर्निंग होगी तो उनमें मैं क्या कर दूंगा, जैसे सन की लाइट आएगी तो उसमें उनमें मैं एकदम अमृत भर दूंगा, मतलब एक हैप्पीनेस, एक एक्टिवनेस, एक जॉयफुल लाइफ दे दूंगा, वो एकदम हरे भरे खिले हो जाएंगे। उनमें से जो लालचीपना है लोगों के बीच के लिए लालचीपना, वो लालचीपना दूर कर दूंगा, उनका आलसपन दूर कर दूंगा, उनमें सन की लाइट जैसे होगी, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग होगी उनमें मैं एकदम खुशहाली भर दूंगा, हैप्पीनेस भर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आया हो ये सारे तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। कविता से आगे यहाँ पे आपको दिया है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा की थी। तो वसंत को ऋतु क्योंकि ऐसे टाइम पे जब देखो ऋतुराज क्यों कहा जाता है कि बारिश के बाद ही अच्छे अच्छे प्लांट ग्रो होते हैं, फूले आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि रेनफॉल ऋतुराज दैट मीन्स बारिश का सीजन, ऋतुओं का सीजन, क्योंकि प्लांट रहते फूल फूल वूल आते हैं तो बारिश भी अच्छे प्लांट की वजह से ही तो बारिश आती है, तो बारिश के बाद ही सब प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, उसमें देखो हमें अच्छे अच्छे फूल दिखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो वसंत ऋतु आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एक रहते, अभी वसंत ऋतु ये, ठीक है, ये स्प्रिंग सीजन में अभी के अभी ये बारिश के बाद तो हमारे बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, जन्माष्टमी, गणपति, नवरात्रि, ये सारे चीज़ें इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं, तो उन पे कोई भी एक टॉपिक लिख सकते हो। फिर ऋतु परिवर्तन का जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन से पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। यस, ऋतु दैट मीन सीजन अगर चेंज नहीं होगी, ठीक है, सीजन अगर चेंज नहीं होगी तो हमारी लाइफस्टाइल, हमें प्रॉपर फूड, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा सीजन वाइज, हमें हम
हम ठंडी में पूरा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर पूरा बारिश होगा तो एग्रीकल्चर बिगड़ जाएंगे, एग्रीकल्चर हार्म होंगी। तो सीज़न का चेंज होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गर्मी पड़ेगी तो पानी ही नहीं मिलेगा, पानी ही सूख जाएगा, सब पानी के बिना मर जाएंगे, सब झाड़ प्लांट सब सूख जाएंगे। और ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वो लोग सड़ के ख़त्म हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी ये सारे। और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हर एक सीज़न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है अनुमान और कल्पना, दैट मीन्स हम एज्यूम कर सकते हैं और एक एज्यूम कर सकते हैं और एक सिर्फ इमेजिनेशंस कर सकते हैं कैसे क्या करना है। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ के, मतलब उसके स्टेटमेंट को पढ़कर बताइए ऋतु का वर्णन, ठीक है, बारिश का वर्णन। फूटे आम, यहाँ पे आपको दिया है देखो, फूटे हैं, सॉरी क्या दिया, देखो फूटे हैं आम के बौरे, आम में बौरे भौरे वन वन टूटे हैं, हिल मची ठोर ठोर सब बंधन छूटे। जैसे आम के पेड़ में, आम का मैंगो ट्री, उसमें भौरे मतलब उसके फूल आने लगे, तो जब आम के तो उसके स्मेल इतनी अच्छी होती है ना, तो भौरे दैट मीन्स वो बोलते हैं ना, वो काले काले रहते हैं फूल पे, वो सब जगह क्या करते हैं, हर एक फूल पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। हिल होली मची ठोठ, तो सब जगह फूल 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 रह गए, और भौरे सब जगह बुन बिन 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 करते, एकदम साउंड करते जाते हैं, तो सब जगह घूमते रहते हैं। ठोठ मतलब सब जगह 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 घूमते रहे, सभी बंधन छूटे, इस तरीके से वो घूमते रहते। तो वो जो पाबंदियाँ में रहती है, क्योंकि सब खुल जाते, सब फूल खिले खिले रहते, जो पाबंदियाँ में उसकी तरह से वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों से अलसाई कलियाँ कर फर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन से अमृत से उन्हें खींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। और फूलों पौधों के लिए क्या क्या करना चाहिए, फूलों पौधों को वो और भी बड़ा करना चाहते, और भी उनको विकसित करना और भी स्प्रेड करना चाहते, समझ में आया, क्या क्या करना चाहते, और भी उनको बढ़ाना चाहते और एकदम एक्टिवनेस लाना चाहते और उनका अंत ऐसा करना चाहते ताकि उनका अंत हो ही ना, वो हमेशा अपने नए नए जगह जाए, नए नए द्वार खोलते जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, कवि अपनी कविता में एक काल्पनिक कार्य की बात बता रहे हैं, अनुमान कीजिए और लिखिए, इसके बाद बताइए कार्य अन्य किन किन संदर्भों से। तो ये सारे जैसे आपको इमेजिन करना है कि जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, अगर आपको आपकी मम्मी जगाती है ना, आपको नहीं उठते और लालची देती है ना कि उठ जा ये सारी चीज़ें दूंगी, आलस आ रहा है ये आ रहा है, तो हम कैसे हम कोई भी चीज़ के लिए एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें, तो ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे यहाँ पे आपको ये मीनिंग्स दिया है, तो ये मीनिंग्स आपको लिखने हैं, बहुत कम ही मीनिंग दिए है, आई थिंक सॉरी वेट, यहाँ पे देखो आपको मीनिंग्स दिए है, मृदुल का मीनिंग जैसे कोमल होता है, पात का मीनिंग पत्ता होता है, गात का मीनिंग शरीर होता है, निद्रा सोया हुआ, प्रत्युष प्रातःकाल, तंद्रलास नींद में आलस्य, ना जो नींद में आते हैं ना आलस हुआ होता है, फिर लालच कुछ पाने की चाह से अभिलाषा। तो हमें जैसे कोई भी लालच बना, अगर मम्मी जैसे देती है लालच ना भाई चॉकलेट चाहिए तो ये काम करो, हम बोलते हैं ना मम्मी करके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंथ में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको फ़ोन मिलेगा, आप ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको स्कूटी। तो ये सारे लालची पन्ना हमें जैसे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो चुका है, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। पोएम तो आपको क्लियर ही होगा, अगर जो भी डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, तो हम एनी टाइम हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना चैप्टर जो भी है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।